हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे दीदीमन। बहुत अच्छी वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे भर्ती की, स्थायी नौकरी रहने वाली है। 10th 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, ऑल स्टेट अलाउ रहेंगे। सैलरी यहाँ पर 40,000 तक मिलने वाली है। बाकी चीज़ें हम डिटेल में नोटिफिकेशन में देखेंगे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के साथ में और क्या क्या मांगा गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी है, स्थायी नौकरी है और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके साथ में अदर फैसिलिटी भी आप लोगों को दी जाती है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टीजमेंट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2023-24। यहाँ पर ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें 21 पोस्ट निकाली गई हैं और 41 पोस्ट जो है ग्रुप डी की निकाली गई हैं। कोई भी जो है रिजर्वेशन एससी एसटी या ओबीसी को यहाँ पर एज में नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी। ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें तो ओपनिंग डेट जो है 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और क्लोजिंग डेट जो है वो 17 अक्टूबर रहने वाली है। तो स्पोर्ट्स कोटा की जो है वो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। जैसे लेवल 5x4 7th सीपीसी, इसके अंदर जो है कौन कौन से गेम आ रहे हैं, एथलेटिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। लेवल 3x2 ये अलग पोस्ट है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है कुल 16 है। उसके बाद लेवल 1 7th सीपीसी, इसमें भी जो है मैन वुमेन दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। गेम जो है आप देख सकते हैं, वाटरपोल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर जो है 41 पोस्ट हैं, यानी कि ग्रुप यहाँ पर लेवल 1 में 41 पोस्ट हैं। उसके बाद 16 पोस्ट जो है लेवल 3x2 में है और 5x4 में 5 पोस्ट है। अब जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। 21 पेजों की ये पीडीएफ फाइल है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो ये पूरा जो है आप लोग पीडीएफ फाइल, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग पढ़ के और उसके बाद एप्लीकेशन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर एज है मिनिमम 18 ईयर और 25 ईयर मैक्सिमम रहने वाली है। यहाँ लिखा है नो रिलैक्सेशन इन लोअर और अपर एज लिमिट फॉर एनी कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लेवल आपको नजर आए थे स्टार्टिंग में, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है पे स्केल भी रहेगा। लेवल 5x2 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और लेवल 3x2 के लिए 12th पास होना चाहिए या फिर आपने 10th भी जो है पास किया है, ITI किया है साथ में, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। लेवल 1 के लिए केवल जो है 10th पास मांगा गया है, या फिर जो है केवल ITI आपने किया है, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर किया है तो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। या आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है, NAC, तो भी आप जो यहां पर फॉर्म डाल पाएंगे। साथ में जो है स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है, तो स्पोर्ट्स में जो है आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो यहाँ पर लिखा है जो है आपका एक एग्जाम होगा, और जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शैल बी एज अंडर, तो यहाँ पर जो है 50 मार्क्स जो है वो आपके स्पोर्ट्स और 40 मार्क्स जो है आपके गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, और 10 मार्क्स जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। पे स्केल जो है वो अलग अलग लेवल है, तो पे स्केल जो है ग्रेड पे 2800, लेवल 3/2 की 2000 और लेवल 1 की 1800। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो कहा गया है, यहाँ 70 मार्क्स जो है वो चाहिए, यहाँ 65 मार्क्स चाहिए लेवल 3x2 में, और लेवल 1 में 60 मार्क्स चाहिए। सैलरी जो है वो आप लोगों की काफ़ी अच्छी जो है ये बनेगी, 40,000 तक जो है सैलरी आपकी यहाँ बनने वाली है। एप्लीकेशन फीस जो है लगेगी यहाँ पर 500 रुपीज़ सभी कैंडिडेट के लिए लगेगी। यहाँ पर एससी एसटी एक्स सर्विस मैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज और EWS, इनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाली है 250 रुपये। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। ये इसकी मेन वेबसाइट है, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे www.rrccr.com, तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ आप लोगों को बिल्कुल होम पेज पर ही सबसे ऊपर दिखेगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टीजमेंट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2023-24 न्यू। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन।
और नीचे है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा और आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्लिक हियर टू ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन दोबारा देखेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, उसके बाद जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो ये वैकेंसी थी रेलवे की, वैकेंसी की जो है बहुत टाइम से जो है वेट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसी भी वैकेंसी अगर निकलती है, क्योंकि ये स्थायी नौकरी होती है, परमानेंट वैकेंसी होती है, और आप लोग यहाँ पर लाइफ टाइम जो है जॉब करते हैं। तो चलिए, ऐसे ही वैकेंसी अगर आपके काम की है तो बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म समय से पहले भरें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।